एक्सलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, एक दूसरे के अपोजिट। सिमिलरली यही ब्लॉक यहां पे हो तो ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट कब, जब यह ब्लॉक किधर जा रहा है, इधर देखिए डायरेक्शन इधर दिखाया हो, डायरेक्शन इधर दिखाया, ध्यान रखना है डायरेक्शन इधर दिखाया हो, तब एक फिनोमिनन में। इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा और एक्सलेशन का डायरेक्शन इधर होगा। यह कब है, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जा रहा है। मैं नीचे करप करूं, लेकिन यही फिनोमेन ऐसे हो जाए ये सब कंसेप्ट है जो कि पूछता नहीं है, लेकिन जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें सब में सभी न्यूमेरिकल्स में अप्लाइड होता है। अगर यही ब्लॉक या यही पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आए तो कंसेप्ट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा एंड एक्सलेशन का भी डायरेक्शन इधर होगा। इस केस में यही पार्टिकल अगर यहां से इस पोजीशन से आए तो सेम थिंग हैपेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, एक्सलरेशन का डायरेक्शन। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक इनफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉर फॉर। देखिए एक बात और बता दूं, बेसिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन खत्म हुआ, अब इससे ज्यादा बेहतर डिटेल ना किसी बुक में है ना ही कोई पढ़ाता है। आप कहीं भी जाकर देख लो, YouTube आपके पास जिंदाबाद है। अगर आप शुरू से अभी तक नीट एंड क्लीन समझ के लिखे हो, पढ़े हो, इससे बेहतर, इससे ज्यादा बेसिक्स ऑफ SHM पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आता ही नहीं, होता ही नहीं है। बस बात कर रहा मैं, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, लिखिएगा इनफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म्स SHM। आइए पहले ये समझने की चीज है, पहले समझ लीजिए, आप अपने से लिख लेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म्स SHM, सुनिए। रिप्लाई करिए, जब मैं बोलूं तो रिप्लाई करिए आप। यह सर्कुलर पाथ है,
यस सर। मान लीजिए यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है, यह पॉइंट डी। मैंने बोला यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एवरी इंस्टेंट, मतलब हर पॉइंट सेम टाइम में कवर करेगा। याद होगा मैंने बताया था यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो होगा, होना ही चाहिए। टी इक्वल टू टी बाय फोर होगा, याद होगा टी इक्वल टू टू टी बाय फोर, थ्री टी बाय फोर, हाँ नहीं टू टी बाय फोर, मैं गलत लिख रहा हूँ, हाँ सर जीरो टी बाय फोर, टू टी बाय फोर, हाँ सही तो है, थ्री टी बाई फोर, और फिर यहां पे जाकर क्या हो जाएगा फोर टी बाई फोर। आइए देखिए कैसे, देखिए रुक जाइए, लिखिए मत क्योंकि यही चीज समझना जरूरी, समझ लेंगे तो आप अपने से लिख लेंगे। मैं रेड कलर के पेन से कोशिश करता हूँ आपको बताने का, कुछ नहीं है, सिंपल है, जो कि आप डेली फील करते हैं अपने घरों में, आप डेली फील करते हैं घरों में, मैंने समझा देता हूँ फिर आपको एग्जाम्पल बताऊ। या जेई नीट में नहीं पूछेगा, बोर्ड में पूछता है। देखिए यहां पे पार्टिकल, देखिए पार्टिकल यहां पे है ना, yes, इस पार्टिकल का साइड ऑफ प्रोजेक्शन कहां आएगा, यहां क्या आएगा बोलिए। yes, अब यह पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, तो यह मूव करके कहां तक आएगा, यहां पे आएगा, ध्यान देना, जब पार्टिकल यहां तक, तो इसका प्रोजेक्शन यहां था, जब पार्टिकल यहां पे था तो इसका प्रोजेक्शन यहां था या नहीं, yes, जब यह पार्टिकल यहां था इसका प्रोजेक्शन कहां था, यहां पे, जब यह पार्टिकल यहां था प्रोजेक्शन कहां था, यही था, yes. अब देखिए वही पार्टिकल अब यहां से इधर आ रहा है, कहां से, यह मीन पोजीशन था या एक्सट्रीम, देखिए कैसे गया, देखिए कैसे फेनोमेनन हुआ, यह पार्टिकल यहां से यहां तक गया, गया नहीं गया, गया नहीं गया, प्रोजेक्शन हाँ या ना, हाँ सर। अब बी टू सी आ रहा है, देखिए तो यहां पे था तो इसका प्रोजेक्शन कहां होगा, होगा क्या, यही पार्टिकल यहां था तो प्रोजेक्शन कहां होगा, यही पार्टिकल यहां था तो प्रोजेक्शन कहां होगा, यही पार्टिकल यहां आया तो प्रोजेक्शन कहां होगा, क्या यहां तक क्लियर है, यस सर, क्लियर है नहीं है, यस सर। अब देखिए यह पार्टिकल यहां आया इसका प्रोजेक्शन यहां आया, यहां आया तो प्रोजेक्शन यहां आया, यहां आया तो प्रोजेक्शन यहां आया, और ये पार्टिकल यहां आया तो प्रोजेक्शन यहां, मतलब क्या क्लियर है। अब फिर यही पार्टिकल यहां गया तो प्रोजेक्शन कहां जाएगा, यहां पे, आप क्या देखिए, आप क्या देखिए, इसका शैडो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है टू एंड फ्रो, हाँ या ना, टू एंड फ्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस सर, यस सर। शैडो जब ऐसे आया तो यहां तक गया, फिर ऐसे आया तो यहां तक गया, मतलब यह टू एंड फ्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। अब रुको रुको, मैं दिखा,
अब फैन दिख रहा है? हाँ सर। फैन के सामने दीवार पे कुछ दिख रहा है आप लोग को या नहीं? हाँ दिख रहा है ना। शैडो क्या दिख रहा है? शैडो 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 क्या कर रहा है? उसका खिल रहा है, हिल नहीं रहा, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। हाँ हाँ सर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म्स एसएचएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑलवेज परफॉर्म एसएचएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑलवेज परफॉर्म एसएचएम। लिख लिए, लिखेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोजेक्शन ऑलवेज परफॉर्म एसएच। क्या मैं रफ करूं इसको? ये अजय कौन है रे? अजय कौन है? चला गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हो गया? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। काइनेमेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। काइनेमेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ SHM। भाई अजय कौन है, नाम बताओ? सर ऋषिकेश है। ऋषिकेश अच्छा। काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ SHM। इतना लेट क्यों ज्वाइन किया रे? इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? सर मेरा आ? भाई के मोबाइल से गया सर, नेट का इशू आ रहा है। अच्छा। काइनेमेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम देखिए, अभी तक हम क्या जानते हैं? वी नो दैट स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन क्या है बेटा? ये है ए। सेकंड यह दो बता चुका हूं, बताया हूं। यस लिख लीजिए, लिखिए 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 लिखिए। काइनेमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसएचएम
बढ़े आगे। देखिए यह तभी समझ में आएगा जब आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता होगा, इसलिए ये बात ध्यान रखिए। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, a इक्वल टू अभी बताया था, क्या बताया था याद है? यस बताया था। इसका वैल्यू पुट कीजिए क्या आ जाएगा, मैं यहां पे ले रहा हूं ताकि डिराइव करना पड़ेगा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? यस सर। ये क्या डिवीजन इधर जाकर क्या हो जाएगा? हो जाएगा, या डिवीजन था इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, क्या आएगा? क्या लिख सकते हैं? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अंत पकड़कर बार उम्मीद कर रहा हूं इंटीग्रेशन तो आता ही होगा आप लोग को। क्या होगा इतना का इंटीग्रेशन? बोलिए ये भगवान यार गाना सिखाया था पावर में वन ऐड कर, कितना बार पढ़ा चुका है यार तू लोग, तो मेरे को परेशान करके रख दिया है। पावर में वन ऐड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे, पावर में वन ऐड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे और एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। बढ़े आगे। यस सर। इक्वेशन क्या आ गया? यही आया। हाँ भाई थोड़ा सा ऐसे चम लिखते फिर से। यहां पे x इक्वल टू क्या बोले थे अपने? यहां पे वेलोसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है, क्या होता है? क्योंकि याद होगा मैंने दिखा था एक्सलेशन इधर डायरेक्शन में, याद है ना? याद होगा आपको भी बताया था। इधर क्या होगा अगर इधर आ रहा है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, और यहां पे वेलोसिटी मिनिमम मतलब जीरो होता है। सिमिलरली यहां पे भी वेलोसिटी मिनिमम जीरो होता है, यहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्यों होता है इसका प्रूफ है बताऊंगा। क्या मैं रफ करूं?
हो गया। यस सर। चलिए तब बताइए एट मीन पोजीशन या एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन में एक्स का वैल्यू क्या होगा ए होगा क्या और वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा जीरो होगा yeah. अच्छा एक बात बताओ क्यों एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि कोई भी पार्टिकल जिस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करती है उस पॉइंट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है जीरो जीरो होता है तो देखो यह इधर जा रही थी और यहां से फिर टर्न हुई मैं समझे क्या जब पार्टिकल इधर जा रही थी फिर यहां से टर्न क्योंकि उसके बियॉन्ड नहीं जाएगी ना हाँ सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम पे जीरो होता था मैक्सिमम पोजीशन पे वेलोसिटी सेम यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वहां पे वेलोसिटी जीरो तो बताइए इसका वैल्यू पुट कीजिए या इस इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कीजिए या फर्स्ट ले लीजिए फ्रॉम फर्स्ट कितना आ जाएगा जीरो स्क्वायर बाय टू इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स की जगह देखो तो कितना आ गया बढ़ो आगे जीरो इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू प्लस सी देयरफॉर सी इक्वल टू हो जाएगा कितना आ जाएगा बेटा इस सी का वैल्यू कहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट कितना आ जाएगा हो जाएगा यहां हमने क्या पुट किया सी का वैल्यू पुट किया हो जाएगा हमने C का वैल्यू पुट किया बस देखो टू इधर भी है टू इधर भी है टू इधर भी है क्या होगा कट जाए और देखो एक पॉजिटिव है नेगेटिव है इसको मैं ऐसे लिख दूं तो गुस्सा करोगे क्या या पॉजिटिव था और या नेगेटिव था पॉजिटिव को पहले लिख दिया नेगेटिव को बाद में लिख दिया भाई कॉमन करो ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन क्या मैं इसको रफ करूं देन वी इक्वल टू क्या आ जाएगा क्या हम लिख सकते हैं कितना जाएगा बेटा यह ओमेगा नॉट स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आकर क्या हो जाएगा इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन या किसका इक्वेशन है
वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म्स ऑफ पोजिशन. इन टर्म्स ऑफ पोजिशन अब इसमें क्या क्या है, भी क्या है, ओमेगा नॉट क्या है, ए क्या है, एक्स क्या है, बता सकते हैं आप? बता सकते हैं आप? भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ SHM यूनिट मीटर पर सेकेंड, ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूनिट रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होता है, 2π/2πf, जो बता चुका हूं मैं. ए क्या है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ एसएचएम. लिख लिए, बढ़ो आगे. क्या मैं बढ़ूं आगे? यस सर. चलिए अब इसका ग्राफ बता देता हूं. देखिए तो बी का हमारा एक फॉर्मूला आया था, अभी कितना आया था, देखिए इतना आया है जो कि मैंने छोड़ दिया था, अभी रफ नहीं किया था. हाँ या ना, यह मल्टीप्लीकेशन इधर आकर क्या आ जाएगा, यह माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, अरे बोलो तो सही. यहां पे क्या ए स्क्वायर इंटू वन, यह कैसा है मल्टीप्लीकेशन, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवीजन. आप लोग को नेचर ऑफ ग्राफ्स पढ़ाए थे, आप लोग को नेचर ऑफ ग्राफ्स मैंने पढ़ाया था. यस सर. यह इक्वेशन किस नेचर का है, बी स्क्वायर बाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते, बी स्क्वायर बाई ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन. याद है थोड़ा बहुत, याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ऐसा ग्राफ बताया था नेचर ऑफ ग्राफ.
ऐसा नेचर ऑफ ग्राफ बताया था yes. किसका है? किसका इक्वेशन है? इलिप्स का सर, इलिप्स का। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एसएचएम का इक्वेशन किस नेचर का है? इलिप्स, इलिप्स नेचर का। यार इतना पढ़ाने के बावजूद भी जवाब नहीं दोगे ना बेटा, क्या करो यार तुम लोग का। देखो यह इलिप्टिकल पाथ है, ऊपर वेलोसिटी होगा, इधर x इक्वल टू a होगा और इधर x इक्वल टू माइनस a होगा। याद होगा मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी बताया था, अभी ऊपर बताया था कि नहीं बताया था? यहां पे भी मैक्सिमम होगा, कितना मैक्सिमम होगा? ओमेगा नॉट a, यहां पे लिख लेना। और देखो यहां पे भी मिनिमम होगा, कितना होगा? जीरो। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा नॉट ए, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी जीरो। हुआ नहीं हुआ? आप लोग को समझ में आ रहा है कि पहले का जो पढ़ाया हुआ उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। इसका मतलब क्या है? आप सभी को जो पढ़ाया गया है उसको नहीं पढ़ना चाहिए, उसको रिवाइज पढ़ना चाहिए। रिवीजन कब पढ़ना चाहिए? 2025 के बाद नहीं? हाँ, कब पढ़ना चाहिए मैं ये पूछ रहा हूं। अभी पढ़ लेगा, आज पढ़ लेगा सब? यस। कल मैं पूछूंगा, कल मैं जब स्टार्ट करूंगा लेक्चर तो आज का जितनी चीजें पढ़ाया हुआ है सब पूछूंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। पूछने के बाद तुरंत एट द सेम इंस्टेंट आपको पेरेंट्स को उसी वक्त ऑनलाइन बुलाऊंगा और मैं बताऊंगा कि ये आपके बच्चे की गलती है। बात समझ में आया? यस सर। विशेष आपकी इच्छा। पिछले में ग्रेविटेशन और वो भी आएगा क्या? क्या मतलब जो आगे पिछली बार पढ़ा था आपने? आज का जो मैंने पढ़ाया उसकी बात कर रहा हूँ। उसके ना, ओके। तो चलिए आज की सेवा समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। केमिस्ट्री का लेक्चर होगा शायद आज से स्टार्ट करने वाले हैं वो भी, अपने अमित सर भी। कितने बजे सर? मैं पूछ के बताता हूँ। मैथ का लेक्चर नहीं होगा क्योंकि सर ट्रेन में है। ठीक है? ठीक है। बैठा सर, आप कुछ बोल रहे थे ना, वो स्कूल का हॉस्टल का कुछ बोलने वाले थे ना आप? हाँ, स्कूल का हॉस्टल का, वही तो मैं जा रहा हूँ अभी। आपका लेक्चर खत्म हुआ, चाय पीऊंगा और जाऊंगा स्कूल में। कल जाने वाला था लेकिन नहीं जा पाया। वह स्वामी नारायण है। देखिए, देखो देखो बच्चों, वो बच्ची है, नन्ही बच्ची। चलो ठीक है, चले सर। वो एक बार मतलब सबको क्या बेटा, क्या बेटा, क्या बेटा, सबको तब प्लान क्या है? वो तो ठीक से बता दो ना एक बार। प्लान ये है कि सारे बच्चे को इसी स्कूल में शिफ्ट करके वहीं पे हम लोग भी शिफ्ट कर जाएंगे, तब तक जब तक की लॉकडाउन चलेगा, और वहीं पे पढ़ाई हम लोग करते रहेंगे। ताकि देखो ऑनलाइन से वो मजा ना, कोई घर लेकिन जाएगा नहीं, ये भी बात है। कोई अपने घर आएगा जाएगा नहीं,
क्योंकि वहां पे बाहर में पता ना चले। हाँ लेकिन यह बाबा जी मतलब स्कूल वाले हमें परमिशन दे तो, ताकि आप लोग का लॉस ना हो, फाइनली हमने जो देखा है सपना उसको पूरा करें, क्योंकि सितंबर हम नजदीक है, बहुत नजदीक है। अगर ऐसे ही सिलसिला लॉकडाउन का चलते रहा तो जीरो रिजल्ट आएगा। yes. बात समझ में आई क्या? पता है इतना पढ़ाने के बाद पूछने पे कि इसका एक नेचर ऑफ इक्वेशन क्या है नहीं बता पा रहे हैं। बताया तो सर नहीं बताया, लेकिन एक दो बच्चे ही ना बताया, सबने कहा बताया? आप लोग मार के देवता हो, जब तक मार नहीं खाओगे तब तक आप लोग को याद नहीं रहती है किस कोई भी चीजें। चलिए मिलते हैं कल इसी जगह इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार, बाय सर।